सो हेलो गाइस, दोबारा आपका स्वागत है। और हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं लेवल 3 हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का। ये पियर्सन आईटी फाउंडेशन है और ये 71 क्वेश्चन नंबर। देखने में क्वेश्चन छोटा है बट है अच्छा खासा, जेई लेवल का आप मान सकते हो या क्लास 8 में दे दिया गया है लेवल 3 में। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। बाकी काइनेमेटिक्स हाइड्रोस्टैटिक के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बनवाया है तो आप देख सकते हो, चेकआउट करो। तो अ रबर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इज सबमर्ज्ड इन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर एंड रिलीज टू व्हाट हाइट विल द बॉल जंप अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा। तो जैसे कि एक कोई कंटेनर होगा जो भी हो, तो ये वाटर है, इसके अंदर 1 मीटर तक कोई रबर बॉल को 1 मीटर तक यहां तक ले जाया गया, ठीक है, रबर बॉल। अब रबर बॉल का तो उसका भी वो सरफेस पाएगा लेकिन उसको 1 मीटर तक अंदर ले जाया गया, फिर उसको वहां से छोड़ दिया गया। तो रबर ऊपर ऊपर जाएगा लेकिन यहीं तक नहीं रहेगा, ये ऊपर तक कहीं जाएगा, यहां तक मान लीजिए, मान यहां तक जाएगा, फिर वहां से फिर ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि टू व्हाट हाइट विल द बॉल जंप अबव द सरफेस, ठीक है, इस हाइट को, इस एच हाइट को, मतलब वाटर के सरफेस से मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये है। अबे यार सॉरी, इसमें तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, तो ये चीज देखो एक बार फिर से बता देता हूं। ये वाटर है, इसमें बॉल को 1 मीटर तक ले जाया गया, ठीक है, यहां से इसको रिलीज किया गया, तो मान लीजिए यहां तक इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, क्योंकि यहां तक रुकेगा नहीं, ये और ऊपर जाएगा, तो ये मान लीजिए सरफेस, वाटर सरफेस से इंच हाइट पे है, ठीक है, तो इंच हाइट पे है, तो यही मैक्सिमम हाइट निकालना है इंच की, आखिर ये कितने हाइट तक। तो इसमें दो बनाने के दो तरीके हैं, एक काइनेमेटिक्स से बना सकते हो, ठीक है, काइनेमेटिक्स से, और दूसरा बना सकते हो वो एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये दो पॉपुलर है इसको बनाने का, ठीक है। तो चूंकि एनर्जी कंजर्वेशन अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, तो काइनेमेटिक्स से ही इसको हम बनाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आप पॉज करके खुद से बनाओ, क्योंकि मैं बना दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप जहां दिक्कत होगा आप देख लेना, ठीक है, पॉज करो इस क्वेश्चन को और आप खुद से इसको ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब बॉल वाटर में है तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो एम जी इसका अपना नीचे लग रहा है, ठीक है, बॉल का मास का, मान लो बॉल का मास एम है, 100 ग्राम दिया हुआ है एम जी, और ऊपर क्या लग रहा है, बायंसी लग रहा है, यही ना फोर्स लग रहा है। तो ऊपर की तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना है, अपवर्ड, नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, जल्दी, नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज इक्वल टू बायंसी माइनस एम जी अपॉन मास ऑफ बॉल, यही ना एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े हो ना, फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, बी माइनस एम जी, क्योंकि बी ऊपर लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, तो बी माइनस एम जी, दिख रहे हो, और मास उसका एम है, तो यही हो जाएगा ना इसका नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार जब हमको वाटर में एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा जब तक है, क्योंकि बायंसी तो लगता रहेगा और नीचे एमजी भी लगता रहेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ यू जीरो है इसका, कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, यू जीरो है, एक्सेलरेशन इतना मिल ही गया हमको, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि वी इज इक्वल टू यू प्लस, सॉरी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस टू टू ए एस लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा 1 मीटर है, ये 1 मीटर तक चलेगा ऊपर, ठीक है, तो यहां से वी का वैल्यू निकल जाएगा, और ये वी कहाँ होगा, वी वन का स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर वी वन हम मान लेंगे कि यहाँ पर वी वन वेलोसिटी हो गया। उसके बाद ये वी वन हमारे यहां से यहां के डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, यू का काम करेगा, यू वन का काम करेगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब हम यहां से यहां तक का काइनेमेटिक्स लगाएंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे आपका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी टू बराबर जीरो। तो हम क्या करेंगे अब आप देखना आराम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब मैं ओवरव्यू बना रहा हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बाद में मैं बताता हूं इसको आगे कैसे थी करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वी टू बराबर जीरो है और वी वन बराबर ई वन हो जाएगा, वी वन यहां से निकल ही जाएगा, तो हम क्या लगा देंगे अब इसमें आपका ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ई स्क्वायर प्लस
टू जी इंच लगा देंगे, यही वाला माइनस टू इंच लगेगा क्योंकि ऊपर जा रही है और ग्रेविटेशन नीचे है। तो यहाँ पर आपको वी टू स्क्वायर है, यहाँ पर आपको ई वन है स्क्वायर है, तो इस तरह से आप अति कर सकते हो। और यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ई वन स्क्वायर का वैल्यू पता ही है और माइनस टू जी इंच यही तो निकाला था, तो इंच बराबर क्या हो जाएगा, ई वन स्क्वायर अपॉन टू जी हो जाएगा, यही इंच निकल जाएगा। अब आते हैं कि इसको बढ़ाने कैसे, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें एक्सेशन निकाल लेते हैं। ये जो मैंने एक्सेशन बताया ना, नेट एक्सेशन ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, बायंसी माइनस एम जी अपॉन एम। तो जल्दी से लिख लेते हैं बायंसी कितना होगा, ये तो मैंने इसको अभी मत याद कर, इसमें कुछ मत करना, अब नहीं समझ में आए तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे होगा। तो बायंसी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस समर्ज्ड इन वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द सब्सटेंस इज समर्ज्ड इनटू जी, यही ना बायंसी होता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चूंकि ये जो बॉल है वो स्फीयर है, तो स्फीयर का कितना होता है वॉल्यूम, 4/3 πr³। आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे तो 0.05 का क्यूब हो जाएगा। और पाई को 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 जो भी लिखना है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, हम 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, इनटू जी का वैल्यू 10 लेने के लिए कहा है, तो इसको आप करोगे तो आपका 5.22 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 5.22 न्यूटन आ जाएगा, इसको आप करोगे, मैंने कर लिया है। ठीक है, तो 5.22 बायंसी इतना आ गया। अब mg कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू, क्योंकि मास 100 ग्राम है तो 0.1 kg ये होगा ना, इंटू g mg, तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो b माइनस, तो mg ये है 0.1 इंटू 10, तो ये 1 न्यूटन हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन a नेट कितना हो जाएगा, 5.22 माइनस 1 अपॉन मास कितना है 0.1 kg। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू 4.22 न्यूटन अपॉन 0.1 केजी, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 42.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब बॉल, जब ये देखो ये वाटर सरफेस में बॉल यहां पर था, ये दूरी 1 मीटर है और हमको ये मान लो मैक्सिमम हाइट ये है, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम यहां है, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन ऊपर जाने के लिए 42.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर यू तो जीरो है, ठीक है, यू जीरो है, ये हमको पता चला गया, ये नेट है यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर प्लस 2as लगा दें यहाँ पर, और वी हमको यहाँ का पता करना है, मान लो यहाँ पर वी वन स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी यहाँ आते आते कितना वेलोसिटी हो गया, वी वन हो गया। ठीक है, और यहाँ का वेलोसिटी वी टू, तो वी टू तो जीरो होगा, तो यहाँ वेलोसिटी कितना है सरफेस वाटर सरफेस जब ये बॉल पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, वी वन, तो हम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी स्क्वायर प्लस 2as लिखेंगे, क्योंकि यहां से यहां जर्नी के दौरान कितना चला, 1 मीटर चला, एक्सेलरेशन कितना था 42.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, तो जल्दी से लिख लेते हैं वी वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 42.2 इंटू एस कितना है 1 मीटर, तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 2 4 2 2 4 और 2 4 8 इतना मीटर पर सेकंड हो गया, इसको यही रहने देते हैं। अब आगे देखो गाइस, ये वी वन और वी टू, अब यहां से यहां के डिस्टेंस के लिए, समझ में आ रहा है, यहां से यहां के डिस्टेंस के लिए अब इनिशियल वेलोसिटी हो गया, अब हम हवा में बाहर, पानी में एक्सेलरेशन अलग था लेकिन हवा में अब एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अब ये, अब यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये बराबर माइनस जी, क्योंकि ऊपर जा रही है और पृथ्वी जो है या अर्थ जो है वो नीचे खींच रही है, तो माइनस जी एक्सेलरेशन होगा, मोशन ऊपर है एक्सेलरेशन और फोर्स नीचे है तो एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, इसीलिए एक्सेलरेशन अलग अलग है, पानी में एक्सेलरेशन अलग है 42.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हवा में जब भी पानी के सरफेस से बाहर निकली बॉल तो उसके ऊपर जाने पर ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, समझो, क्योंकि माइनस जी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। तो उसके बाद हम ये हमारा यहाँ के लिए वी वन निकल गया, तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि वी टू स्क्वायर, अब हम जानते हैं ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2gh जानते हैं ना, तो अब देखो इसी को यहां से यहां तक हम लगाएंगे, ये पहला फेज है हमारे मोशन का, ये दूसरा फेज है, तो पहले फेज में हम निकाल लिए कि यहां पर वी वन स्क्वायर इतना है, दूसरे फेज के लिए हम यहां बात कर रहे हैं, ये पहला फेज है मोशन का, ये पानी के अंडर है, अंडर वाटर, ये अंडर वाटर इसका मोशन है, ठीक है गाइस, और ये क्या है, इन एयर मोशन है। ठीक है, तो यहां पर वी यानी फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और यू फिर से रिवाइंड करके देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी हवा के लिए कितना है, वी वन स्क्वायर, वी वी वन है, तो वी वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वी वन स्क्वायर ही होगा ना, यू वन, जिसकी जगह कितना लगेगा 84.4 प्लस नहीं, अब देखो
टू जी एच अभी माइनस होगा क्योंकि ऊपर जा रही है ना बॉल और नीचे एम जी लग रहा है, तो मोशन ऑफ डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए माइनस टू जी, टू इंटू टेन इंटू एच, यही एच मैक्सिमम है, यही एच मैक्सिमम है, यही नहीं पूछ रहा है कि एच मैक्सिमम कितना होगा। तो गाइस एच मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ गया, अब हमारा आंसर आ गया 84.4 अपॉन 20 मीटर, यानी कि ये कितना आ जाएगा गाइस, ये आपको करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, लगभग 4.22 मीटर आएगा। हालांकि आंसर अप्रोक्स में 4.24 मीटर देता है, लेकिन मेरा मतलब इसको करोगे तो 4.22 मीटर आएगा, इसी के आसपास आंसर देता है 4.24 मीटर। सो ये आंसर होगा कि बॉल जो है वो वाटर सरफेस से 4.22 मीटर तक ऊपर जाएगी। ऑफिशियल आंसर हालांकि 4.24 है, जो कि 0.02 का मेरा बस आसपास का अप्रोक्स में अति हो रहा है। खैर इसको आप देख लेना, ठीक है, हालांकि ये ऐसे ही बनेगा और यही आंसर 4.22 मीटर आ जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतना समय लिया। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ गए, काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट आ गया, ओके, फिर हमारा हमने डायनेमिक्स पढ़ा था उसका कंसेप्ट आ गया, डायनेमिक्स का, ठीक है, डायनेमिक्स का कंसेप्ट आ गया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर हाइड्रोस्टेटिक का कंसेप्ट आ गया, हाइड्रोस्टेटिक्स का, ठीक है, क्योंकि हमने बायंसी देखा, हमने वाटर में क्या देखा, वाटर में हमने देखा बॉल का मोशन, उसमें एक्सेलरेशन इतना था 42.4 में, कैसे आया था एक्सेलरेशन, बैंसी में से माइनस कर दिए थे एम जी को, बटा एम कर दिए तो एक्सेलरेशन आ गया था। उसके बाद हवा में जब वाटर सरफेस से ऊपर गया होगा बॉल तो कितना एक्सेलरेशन आया होगा, माइनस जी, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो हमने दो बार मोशन किया, ठीक है, एक बार अंडर वाटर ये मोशन चला और इन एयर ये चला, तो यहीं से मैक्सिमम हाइट निकला। और बाकी आप यहां इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। तो ये रहा गाइस, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, और अच्छा लगा तो दूसरों पर शेयर करो और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर, और आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस ज्यादा बनाएंगे, ये हमारा मोटो रहेगा, ठीक है, सो थैंक यू।